न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर वाराणसी से आ रही है। गंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे, यहां पर आपको बता चल सर्किट हाउस पहुंचे मंत्री आशुतोष टंडन ने यात्रा को सफल बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदा बेन मोदी महोबा पहुंची। जिला मुख्यालय पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों ने इस दौरान उन पर पुष्प वर्षा की और उनके साथ ही सेल्फी भी उतारी। जशोदा बेन मोदी सोमवार दोपहर झांसी में चित्रकूट जाते समय कुछ देर के लिए महोबा जिला मुख्यालय में सिंचाई विभाग के डॉक बंगला विरमा भवन में रुकी और बिढ़ाइट मोहल्ला स्थित जगत साहू के घर गई। यहां उन्होंने साहू समाज के लोगों से भेंट करने के बाद दोपहर का भोजन भी लिया। इस मौके पर भारी तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलवा और कानपुर झांसी क्षेत्र के पार्टी महामंत्री राकेश शोर साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंगर उनके काफिले में एक साथ रहे। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, ये तीन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उसमें वहाँ के अल्पसंख्यक जो आज़ादी और पार्टीशन के टाइम वहाँ रह गए थे, उनके साथ जो वहाँ दुर्व्यवहार हुए, यंत्रणाएँ हुई, जबरन उनके धर्म परिवर्तन कराए गए और उनमें से अनेक लोग जो थे उन्होंने भारत में शरण ली। उनमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे। और उदाहरण के लिए पाकिस्तान में 23% अल्पसंख्यक पार्टीशन के टाइम थे, जो आज लगभग 2% रह गए। कहाँ गए वो 21%? उनका या तो जबरदस्ती धर्मांतरण हो गया या उनको अगवा करके कराया गया, और उनमें से कुछ लोग वो भारत में आकर उन्होंने शरण ली। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो भारत में वो आ चुके हैं, रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, नारकीय जीवन भूलने को वो मजबूर हैं, उनके पास नागरिकता ना होने के कारण कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई आई कार्ड नहीं है, कोई राशन कार्ड नहीं है, और उनको नौकरी नहीं मिल सकती, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता, तो उनको नागरिकता देने का ये अधिनियम है, और वो भी 2014 के पहले जो आ चुके हैं भारतवर्ष में हैं। लेकिन जो गैर जिम्मेदार विपक्ष है वो लोगों को गुमराह कर रहा है और वो कह रहा है कि साहब ये अमुक वर्ग की नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये नागरिकता देने का अधिनियम है, ये किसी की नागरिकता लेने का अधिनियम नहीं है। रही बात जो लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, सबको अभिव्यक्ति की का अधिकार है, वो कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे मीडिया के बंधु जो वहाँ जाते हैं उनसे पूछते हैं तो अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं है किसका विरोध करने आए हैं। कुछ लोग उनको गुमराह करके वहाँ पर ले आए हैं और ये जनता देख रही है, ये संपूर्ण विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया जनता देख रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो गुमराह लोग वहाँ पर बैठे हैं उनको समझना चाहिए कि किस लिए बैठे, क्या है, किसकी नागरिकता छीनी जा रही है। भारत में रहने वाला जो हर नागरिक है उसकी नागरिकता सुरक्षित है, इसके लिए हमारे गृह मंत्री जी भी बार बार कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, लेकिन ये विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है और ये उन लोगों को समझना चाहिए। सर जिस तरीके से लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।